आज आपको मैं एक सूक्ष्म रहस्य सिखाने वाला हूँ। आप लोग देवताओं की पूजा करते हो कि देवों में रही हुई शक्ति को पूजा करते हो, तो आप खुद ही बोलोगे हम शक्ति की पूजा करते हैं। आपको मालूम पड़े कि कोई देवता में शक्ति कम है, उसकी आप पूजा नहीं करोगे। और आज दुनिया में यही प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि कौन से देवता सबसे शक्तिशाली है, उसकी हम पूजा कर लें ताकि हमारे कार्य सिद्ध हो जाएं, या हमें मुक्ति मिल जाए, या हमें ज्ञान मिल जाए, क्योंकि शक्तिशाली देवता ही सब कुछ कर सकते हैं। अब किसी भी शक्तिशाली देवता में 5 शक्ति होने की जरूरत है। एक ही शक्ति होगी तो वो उसी शक्ति की कृपा करेंगे, दूसरी शक्ति की कृपा नहीं कर पाएंगे। वो 5 शक्तियां हैं। पहला अनुग्रह शक्ति, आपको आशीर्वाद देने की शक्ति जिसमें हो, वो सबसे पहले अनुग्रह शक्ति। अनुग्रह करना यानी आप पर ऐसी कृपा करना कि आपके जीवन सफल हो जाए, ये पहली शक्ति है। ये हर देवता में होनी चाहिए। तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि जिस देवता की भी आप पूजा साधना करते हैं, वो कुल देवता हो, शंकर जी हो, विष्णु हो, राम हो, पार्श्वनाथ हो, महावीर हो, बुद्ध हो, नानक हो, इन सब में ये शक्ति होती है। गुरु हो के देवता हो, सिद्ध पुरुष हो के महाशक्ति हो। पहला तो अनुग्रह शक्ति। अनुग्रह शक्ति से, कृपा से जीवन को सफल करते, सही मार्ग पर ले जाते हैं। दूसरी शक्ति है तिरोधान शक्ति। तिरोधान शक्ति यानी किसी पर्दे से छुपे हुए रहस्य को उद्घाटित करना, यानी अहंकार के वश व्यक्ति स्वयं को अमर समझता है, बड़ा समझता है, सब कुछ मैं ही हूँ समझता है। ये अहंकार जब तक रहता है भगवान की कृपा के पात्र नहीं बन पाता है। तिरोधान शक्ति यानी वो अहंकार मल की शक्ति जो पर्दा लगा के बैठी है, उसी की पूजा करने से ही वो अपना पर्दा हटाती है, और पर्दा हटने के बाद ही सत्य का दर्शन होता है। सत्य का दर्शन तिरोधान शक्ति से ही संभव है। तिरोधान शक्ति यानी वो पर्दा डाली हुई शक्ति जो वस्तु स्थिति को हम समझ नहीं पाते हैं और मिथ्या वस्तुओं को सत्य मान के बैठे रहते हैं, वो तिरोधान शक्ति। और उसी की भक्ति से वो पर्दा जो डाली बैठी है शक्ति, वो पर्दा उठाती भी वही शक्ति है। जिसने पर्दा डाला वही तो पर्दा उठाएगा, वही पर्दा उठाता है, ये शक्ति तिरोधान शक्ति है। अब तीसरी शक्ति है इच्छा शक्ति। अब इच्छा शक्ति के बारे में बात करो, आपको देखो एक नया शर्ट पहनने का इच्छा हुआ, बेटा तुझे पूछता हूँ, एक नया शर्ट तुमने पहना, जिस दिन पहना उतना जो मजा आया, अगले दिन धीरे धीरे वो शर्ट पुराना होता गया, तब तुमको वो मजा आया, मजा कम पड़ता है कि नहीं? तो इच्छा शक्ति ही संहार शक्ति। हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं जो कैमरा में खड़े हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं भाई पहले हमने कार लिया, टू व्हीलर ली, गाँव में तेरे पास टू व्हीलर होगा, लिया तब कितना मजा आया, लेकिन आज वो मजा है क्या? पुराना होता जाता है तो मजा खत्म होता जाता है, आनंद खत्म होता जाता है। यानी इच्छा शक्ति संहार शक्ति है, वो धीरे धीरे उस वस्तु के प्रति आसक्ति को समाप्त कर देती है इच्छा शक्ति। और दूसरी है ज्ञान शक्ति। ज्ञान होगा तो धीरे धीरे इस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए, विवेक होगा। ज्ञान शक्ति है पालन शक्ति, और पालन शक्ति से हमारा जीवन परिपालित होता है। अंत में है क्रिया शक्ति। किसी भी क्रिया को करते हो तो एक नए परिणाम की सृष्टि होती है, इसलिए क्रिया शक्ति सृष्टि शक्ति है। यानी ब्रह्मा की तरह नया सर्जन होता है क्रिया शक्ति से, ये सृष्टि शक्ति है। इच्छा शक्ति संहार शक्ति है, यानी शिव की तरह संहार करने की शक्ति। ज्ञान शक्ति विष्णु शक्ति है जो पालन करने की शक्ति। आज आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ। कुलदेवी के सामने खड़े होते हो, किसी भी मंदिर में खड़े होते हो, किसी भी देवता के पास खड़े होते हो, घर में अपने इष्ट देवता के सामने खड़े हो, आपके इष्ट देवता पार्श्वनाथ, महावीर, बुद्ध, नानक, राम, कृष्ण, कोई भी शिव विष्णु आदि देवता हो, तो आप उनके सामने खड़े होके जब प्रार्थना करते हो तो ये बोलना कि प्रभु आपके अनुग्रह शक्ति, तिरोधान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से मेरा कल्याण करें। भले कुलदेवी हो या कोई भी देवता हो,
खाली वो अनुग्रह करने की शक्ति रखते हैं और तिरोधान की शक्ति नहीं रखते हैं। जब तक सम्मार शक्ति नहीं रखते हैं भय का समाप्ति नहीं होगा, जब तक ज्ञान शक्ति नहीं रखते हैं जीवन में अज्ञानता का समाप्ति नहीं होता है, जब तक इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं जीवन में दुख समाप्त नहीं होता है। इसलिए किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के पास जाओ, प्रभु आप अपने अनुग्रह शक्ति, तिरोधान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति से मेरा कल्याण करें, ऐसे प्रार्थना करें, आपको बहुत फर्क जीवन में दिख के आएगा। क्योंकि पांचों शक्तियां अगर आपके जीवन में काम करना शुरू कर दी तो आपके जीवन को सर्वोत्तम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये पांचों नाम बोलने में असमर्थ हो, भूल जा सकते हो, तो ऐसे कह सकते हो कहीं भी बहुत सरलता से, प्रभु आप अपने पंच शक्ति से मेरा कल्याण करें, हे माँ आपके पांच प्रकार के दिव्य शक्तियों से मेरा कल्याण करें। देखो उनकी सिद्धियां तो करोड़ों तरह की है, उनकी शक्तियां करोड़ों तरह की है, पांच शक्ति ऐसे मत समझना, लेकिन इन पांच शक्ति में अनुग्रह शक्ति, तिरोधान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन पांच डिपार्टमेंट में उनके करोड़ों प्रकार की शक्तियां, करोड़ों प्रकार की सिद्धि सब आ जाती है। आप खड़े होके मुझे कार दो, मुझे बंगला दो, मुझे धन दो, मुझे गहना दो, ऐसे करने से अच्छा है प्रभु आपके पांच प्रकार की दिव्य शक्ति से मुझे परिपूर्ण कर दो। प्रभु आप अनुग्रह, तिरोधान, इच्छा, क्रिया, ज्ञान शक्ति से मेरा कल्याण कर दो। हे माँ कुल देवता आपके पांच प्रकार की दिव्य शक्ति से मेरा कल्याण कर दो। आप अनुग्रह शक्ति, तिरोधान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति से मेरा कल्याण कर दो। ऐसे प्रार्थना करोगे तो आप देखोगे कि उनकी संपूर्ण शक्ति आशीर्वाद बन के आपके जीवन में आ रही है और आपकी प्रार्थना का अकूट फल मिल रहा है और जीवन सफल हो रहा है। क्योंकि हम कुछ भी मांगते हैं, बड़े से बड़े सोने का पहाड़ भी मांगते हैं, तो हम उनकी शक्ति के सामने तुच्छ चीज ही मांगते हैं। उनके ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तिरोधान शक्ति, अनुग्रह शक्ति कोई मांग लेंगे तो उनके परिपूर्ण आशीर्वाद की कृपा के पात्र बन जाएंगे। इसलिए किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी देवता के सामने जाएं, उनके ये अनुग्रह शक्ति, तिरोधान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति की कृपा मांगे, जीवन को सफल करें। जय माँ पद्मावती।